हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टिकटॉक ट्रेंडिंग वीडियो क्रिएट करेंगे। टिकटॉक ट्रेंडिंग वीडियो क्रिएट करने के लिए ये 4 वीडियोस मैंने ले रखी हैं। ये एक मॉडल है, ये कुछ इस तरह से है। इसके अलावा ये बर्ड्स की वीडियो है, ये हमें इस तरह से नजर आएगी। और इस ये हमारे पास एक स्काई है जो कि हमने ऐड करना है, ये कुछ इस तरह से है। और ये एक टाइटल सॉन्ग है। तो हम इन चारों वीडियोस को करेंगे यूज। आएंगे सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट में, यहाँ से क्रिएट करेंगे न्यू कंपोजिशन जिसकी विड्थ जो है हम रखेंगे 1080 और हाइट जो है वो रखेंगे 9020 और जो फ्रेम रेट है वो कर देंगे हम 30 कर देंगे। ओके ओके करने के बाद यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा इन चारों वीडियोस को इम्पोर्ट और यहाँ पर सबसे पहले मैं लेकर आऊंगा इस मॉडल वाली वीडियो को और इसके स्केल को करूंगा सेट इस तरह से। अब मैं इसे 2 सेकंड पर लाकर कट कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा और इसे कर दूंगा कट। कट करने के बाद इसे मैं लेकर आऊंगा वीडियो के शुरू में और अब मैं जाऊंगा इफेक्ट्स में और यहां पर टाइप करूंगा लिनियर कलर की। इसे मैं लाऊंगा ड्रैग करके वीडियो के ऊपर और ये आई ड्रॉप टूल है इसे लूंगा और स्काई पर करूंगा प्रेस जिससे स्काई जो हमारा है वो रिमूव हो जाएगा। तो बाकी इसकी जो टॉलरेंस है यहाँ से मैं वो करूंगा सेट, इसे मैं कर दूंगा 10। अब मैं ड्रैग और स्काई को लेकर आऊंगा मॉडल वाली वीडियो के नीचे जिस तरह से और इसे मैं यहाँ पर लाकर सेट कर दूंगा। इसके स्केल को करूंगा मैं 200 और इसे मैं करूंगा यहाँ से इसे मैं करूंगा 3D। कीबोर्ड से F4 को प्रेस करूंगा तो यहाँ से हमारे पास 3D का ऑप्शन आ जाएगा। और अब मैं इसे सबसे पहले तो ये हमारा स्काई भी इस वीडियो के ऊपर सेट हो चुका है। अब मैं लेकर आऊंगा बर्ड्स को और इन्हें ड्रैग करूंगा और इन दोनों वीडियोस के लाऊंगा सेंटर में। अगेन इन्हें मैं सेट करूंगा यहाँ पर और यहाँ से लिनियर कलर की को लूंगा और इस बर्ड्स वाली वीडियो के ऊपर लाकर छोड़ दूंगा। यहाँ से आई ड्रॉप टूल को लूंगा और प्रेस करूंगा स्काई पर जिस तरह से। इन नीचे वाले वीडियो को करूंगा मैं हाइड और यहाँ से इसकी जो सॉफ्टनेस है उसे मैं कर दूंगा 30। ओके, और अब मैं नीचे वाले वीडियो को कर दूंगा अनहाइड। तो ये हमारे बर्ड्स हमें कुछ इस तरह से नजर आएंगे। अब मैं इन बर्ड्स वाली वीडियो जो हमारी है इसको भी कर दूंगा 3D। 3D करने के बाद अब मैं इन बर्ड्स को भी दूंगा इस तरह की शेप। अब हम आएंगे अपने मॉडल वाली वीडियो के ऊपर, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, जाऊंगा टाइम और यहां से टाइम स्ट्रेच करूंगा, इसे कर दूंगा 125 और सेट कर दूंगा। अब जो ये हमारी नीचे वाली बर्ड्स वाली वीडियो थी इसे मैं कर दूंगा यहां से कट, कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस करूंगा और इसे मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। अब मैं इन तीनों वीडियोस के ऊपर लेकर आऊंगा हमारे टाइटल सॉन्ग को, तो इसे मैं ड्रैग करूंगा इन तीनों वीडियोस के ऊपर। यहाँ से अगेन मैं कीबोर्ड से F4 को प्रेस करूंगा और इसके ब्लेंडिंग मोड जो है इसको कर दूंगा मैं स्क्रीन। तो हमारी जो फाइनल वीडियो है ये रेडी हो चुकी है। फाइनल वीडियो रेडी होने के बाद अब हम इसकी करेंगे कलर कुरेक्शन। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से लूंगा एडजस्टमेंट लेयर को इन 4 वीडियोस के ऊपर और जाऊंगा इफेक्ट्स में और यहाँ पर टाइप करूंगा लुमेट्री कलर को और इसे मैं ड्रैग करूंगा और लेकर आऊंगा इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। यहाँ पर आऊंगा बेसिक में और यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है इसे मैं कर दूंगा 138 और इसका जो टेंट है इसे मैं कर दूंगा 60.7 और इसकी जो सेचुरेशन है इसे कर दूंगा 118 कुछ इस तरह से और जो इसका शेडो है इसे मैं कर दूंगा -54। तो हमारी जो फाइनल वीडियो है ये रेडी हो चुकी है, ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी।